मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। गोरखपुर में विधानसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी के चुनाव का उत्सव तेज हो गया है। ऐसे में नामांकन के आखिरी दिन जहां समाजवादी पार्टी से रजनीश यादव ने गोरखपुर महाराजगंज के लिए नामांकन किया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सीपी चंद ने नामांकन भर कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वैसे में भारतीय जनता पार्टी के सीपी चंद के साथ कई विधायक और सैकड़ों की संख्या में समर्थक और कार्यकर्ताओं का हुजूम भी साफ नजर आ रहा है। समर्थकों में कितना उत्साह है आप खुद ही देख रहे हैं, और मैं सिर्फ धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने नेतृत्व का, जिन्होंने हमें अपना प्रत्याशी बनाया, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का, संगठन का, प्रदेश अध्यक्ष जी का। मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। अब उनके विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करूँगा। जनपद बहराइच में भाजपा से एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, जहां भाजपा के पदाधिकारियों सहित पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भाजपा से महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी को इस बार एमएलसी प्रत्याशी बनाए जाने की शुभकामनाएं दी। कार्यालय से भाजपा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पैदल निकलकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, जहां भाजपा एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भी हम लोग विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं प्रचंड बहुमत के साथ, और सरकार में जो भी हमारी योजनाएं, जो भी कार्य सरकार कर रही थी, उसको मैं भी निष्ठापूर्वक अपने क्षेत्र में भी समर्पण भाव के साथ उसको अपने लोगों के लिए करती रहूँगी। पहले भी कर चुकी हूँ और आप भी करती रहूँगी। खबर बिजनौर से है, जहां पर जैकेट के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग से लाखों रुपए की जैकेट जलकर राख हो गई। वहीं गोदाम स्वामी और मोहल्ले वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम में रखी सभी जैकेट जलकर राख हो गई थी और लाखों रुपए का नुकसान भी हो गया। ये रात शॉर्ट सर्किट हो गया बिजली से, उससे आग लग गया। हम तो सो रहे थे, हमें कुछ पता नहीं। जब अंदर कमरों में मैं सांस में घुटन होने लगी तो हमारी आँख खुली, हमने बाहर निकल के देखा तो आग सारे में लगी हुई थी। कितना नुकसान है आपका? नुकसान तो लाखों में है। हमारी यहाँ पर जैकेट रखी हुई थी, पूरे इसमें हॉल में जैकेट भरी हुई थी और सारी ही जल गई। कितने की होंगी जैकेट लगी? बस ये तो अभी अंदाजा नहीं लगाया, लेकिन लाखों में है, काफ़ी नुकसान है। क्या चाहते हैं आप? बाद में हमने फिर 102 नंबर को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी, चांदपुर थाने से पुलिस आ गई थी। जब तक वो आई, जब तक हमने और हमारे पड़ोसियों ने मिल के आग बुझाई, फिर पुलिस आ गई, फिर उन्होंने फायर ब्रिगेड वालों ने हमारे साथ में मिलकर आग बुझाई। देवरिया में वंचित अभियुक्तों के गिरफ्तारी के लिए क्षेत्र में भ्रमशील थे मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम पुरवा साहू टोला से एक अभियुक्त तो गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के पास से 4 अदद अंगूठी बरामद की गई है, जिसके संबंध में पुलिस टीम के कड़ाई से पूछताछ कर उसे बताया है कि मामला कि निराला मालिक संगीत शिक्षक नवोदय विद्यालय से चोरी किया गया था। पुलिस टीम ने चोरी के सामान को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार विविध कार्रवाई की है। खबर अयोध्या से है, जहां 7 वर्षीय मासूम के साथ हुई हैवानियत, जिसको लेकर महिला और युवा सभी दोषी को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। बता दें, अयोध्या पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ इस घटना की जांच करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी लोगों में नाराजगी है। उस दरिंदे के साथ देने वाले अभी भी सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सरकार से हमारी मांग है कि जो दुष्कर्मी है, जितने लोग सामने हैं, सबको फांसी की सजा हो। अब भरे बाजार में हो, योगी जी महाराज के सामने ये बात पहुंच जाए कि हमारी बहनें
कन्नौज में शराब पीने के बाद एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद एक की हालत गंभीर है। एक दिन पहले बेटे की मौत हो गई थी, फिर पिता और चाचा ने भी दम तोड़ दिया। सफाई मेडिकल कॉलेज में पिता और चाचा के इलाज के दौरान मौत हो गई। तीन मौतों की सूचना पर SSP जांच करने पहुंचे। गांव में जहरीली शराब पीने से दो मौतें हुई हैं। ये घटना छबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के कटहारा गाँव की है। कन्नौज में चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टियों के समर्थकों के बीच हिंसा शुरू हो गई है। होली के हुड़दंग में हो रही शराबखोरी ने इसे और बढ़ा दिया है। दरअसल योगी सरकार बनने की खुशी मनाने पर सपा समर्थकों ने भाजपा समर्थकों पर पथराव कर दिया। पथराव करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, तो वहीं पुलिस ने इस मामले में 24 नामजद सहित 46 पर मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें से 5 आरोपी गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुके हैं। जनपद कन्नौज के थाना ताला ग्राम के अंतर्गत मायापुरवा ग्राम में दो पक्षों में होली मिलन समारोह के दौरान वाद विवाद हुआ, जिसमें मारपीट हुई। मौके से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तारी करके विधिक कार्रवाई की गई। शेष जांच प्रचलित। अलीगढ़ में 2022 के विधानसभा चुनाव में एक युवक को भाजपा का समर्थन करना महंगा पड़ गया। दरअसल गांव के ही कुछ दबंगों ने नशे में चूर युवक के साथ जमकर मारपीट की। इस घटना में युवक को गंभीर चोट आई है। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। अलासन फिर मैं वहाँ बैठा हुआ था, अलग चुनाव हुआ था, तो हमने हमारे परिवार ने और मैंने सभी अपने रिश्तेदारों से मीट फैक्ट्री पे चुनाव हुआ था। कोई काय का चुनाव था? जो ये विधानसभा का। अच्छा, चुनाव जो हुआ विधानसभा का, BJP के हम सपोर्टर थे। अब शायद नाम का आदमी है, तारासपुर खोजला तो बैठा था। ये दो लोग आए दारू पी के इन्होंने मार छेड़ना शुरू किया। चुनावों की बात निकालते हुए योगी को और देगा सपोर्ट और योगी जी तेरे बाप लगते क्या लगते इस तरीके की, मतलब अभद्र भाषा करते हुए उन्होंने मारपीट किया। मैंने ये बोला था मेरी 10-20-30 वोटों से वो योगी जी नहीं जीतते। नहीं, वो इसी बात को लेकर आपके साथ मारपीट हुई है ना? हाँ, इसी। कितने लोग थे मारपीट में? दो लोग मारा क्या आपके? मेरे भूसा और इनमें वो थी। पुलिस को शिकायत करी आपने? खबर बुलंदशहर से है, जहां एक मंदबुद्धि युवक ने फावड़े से 5 किसानों को काट दिया और आते जाते राहगीरों को भी निशाना बनाया। घायल किसानों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 घायल किसानों की मौत हो गई। पुलिस को खबर मिलते ही मौके पर पहुंची और मंदबुद्धि आरोपी को गिरफ्तार किया। खबर अलीगढ़ से है, जहां जगतपुर गांव में मामूली विवाद में एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। वहीं परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस मृतक के भाई को हिरासत में लेकर जेल भेजा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये जगतपुर गांव का देशराज नाम का लड़का था, जिस पर इसके परिवार के ही भाई है तिलक, उसने डंडे से वार कर दिया था, जिससे वो घायल हो गया था। परिवारजन उसे लेके जेएन मेडिकल कॉलेज गए थे, जहां पे उसकी मृत्यु हो गई है। अभियुक्त तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे आला कदर डंडा वगैरह आदि बरामद कर लिया गया। यूपी के हमीरपुर जिले में एक सनकी बेटे ने अपनी मां को धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की जानकारी फैलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पाते ही घटनास्थल पर पुलिस टीम पहुंच गई। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तहकीकात शुरू कर दी। आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मामला हमीरपुर जिले के ललपुरा थाना क्षेत्र के कलौरी जार गाँव का है। ललपुरा थाना अंतर्गत कलौली जार गांव में आज लाला राम विश्वकर्मा, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, अपनी 80 वर्षीय मां को पहले कुल्हाड़ी से काटा और उसके बाद से उसका गर्दन भी उसने अलग कर दिया और घर में उसे जला रहा था। पड़ोसियों ने देखा, उसके बाद से फिर इसकी सूचना थाना पुलिस को दिया गया।
पुलिस द्वारा आकर के इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई, आरोपी को हिरासत में लिया गया है और संपूर्ण कार्रवाई इसमें की जा रही है। हत्या के कारण है सर? हत्या गृह कलह था और ये गांजा आदि पीने का नशा का आदि था, मानसिक रूप से भी कुछ कमजोर सा प्रतीत हो रहा है और जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में विधान परिषद के चुनाव के लिए नामांकन का अंतिम दिन है। वहीं अलीगढ़ हाथरस स्थानीय एक निकाय एमएलसी सीट के लिए सपा भाजपा में सीधे टक्कर मानी जा रही है। कलेक्ट्रेट पर भाजपा से ऋषिपाल सिंह और सपा से मौजूदा एमएलसी जसवंत सिंह यादव ने नामांकन किया। इस दौरान दोनों दलों के तमाम दिग्गज नेता रहे मौजूद। नामांकन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। तो बनने के बाद रहेंगे, ऐसा प्रश्न आपने कर दिया जो लागू नहीं है। प्राथमिकता तो बनने के बाद रहेगी, ये प्रश्न आगे करिएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को, और इतना महत्वपूर्ण चुनाव मुझे लड़ने के लिए उन्होंने तय किया है। मैं शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सभी विधायक, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय जिला पंचायत सदस्य जी, आदरणीय प्रमुख जी, आदरणीय प्रधान, बीडीसी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत के दोनों अपने प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबका, भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता का, जिले का, मंडल का, सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। पार्टी का मैं पिछली 3 बार से चुनाव लड़ रहा हूँ, बहुत बहुत हमारे पास सहयोग रहा और आज चूँकि पूरे समाज के लोगों ने और हमारे भाजपा के कई विधायकों ने और माननीय आरपी सिंह जी ने, मंत्री जी ने और ऋषिपाल जी तो अपने बड़े भाई जैसे हैं, जब कहा कि एक ही लड़े तो हमने को भी लगा कि चलिए कोई बात नहीं। ऐसा है कि भाजपा का बहुत हम पे वो रहा है तो अब हमारा भी कर्तव्य बनता है और हमने भाई बड़े भाई को इस बार कहा कि आप विधान परिषद पहुँचिए, बातें की है। जो हम जो लड़ाई, जो क्रांति लानी है पंचायतों की, मैं निवेदन करूँगा कि पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कुछ करें। और भाजपा तो हमेशा अच्छा कर रही है, योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी उत्तर प्रदेश का चुनाव बता रहा है कि काफ़ी अच्छा है। लखनऊ में मार्च का महीना शुरू होते ही इस बार गर्मी का प्रकोप समय से पहले ही बढ़ गया है। प्रदेश भर में गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की तो तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी लखनऊ समेत अधिकांश हिस्सों में एक बार मौसम का पारा तेजी से बढ़ते हुए दिख रहा है। वहीं अगर भी बात की जाए तो मई और जून में पड़ने वाली गर्मी इस बार हमें मार्च में देखने को मिल रही है। वहीं अगर टेम्परेचर की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस अभी राजधानी लखनऊ का टेम्परेचर है और इस बढ़ती तेज गर्मी से कहीं ना कहीं जो राहगीर हैं या जो सड़कों पे दुकान लगाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं। और साथ ही साथ जो जानवर हैं, चाहे छुट्टा जानवर की बात की जाए, चाहे आवारा कुत्तों की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं वो भी परेशान है। और वहीं अगर बात की जाए तो नगर निगम की तरफ से अभी तक धूप से बचने के लिए कहीं टीन शेड नहीं लगाए गए हैं और साथ ही साथ पानी की व्यवस्था के लिए कहीं प्याऊ नहीं लगाए गए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। आगरा में फिरोजाबाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय शिवहरे ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर विजय शिवहरे के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का लाइन लगा रहा। ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के लिए आए। खास बात यह रही कि नामांकन के मौके पर विजय शिवहरे के जुलूस में बुलडोजर भी नजर आया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी योजना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बुलडोजर सरकार, जिसमें कि गुंडा राज मुक्त मेरा प्रदेश, भ्रष्टाचार मेरा मुक्त प्रदेश, और वो मेरे बीटीसी के सदस्य, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, चेयरमैन, जिला पंचायत अध्यक्ष, चेयरमैन के पार्षद, मेयर, मेयर के पार्षद, विधायक, कहीं ना कहीं उन लोगों ने नीचे काम किया है। वहीं गाजीपुर में स्थानीय निकाय के विधान परिषद सदस्य एमएलसी चुनाव के लिए 4 प्रत्याशियों ने नामांकन के अंतिम दिन राइफल क्लब में मजिस्ट्रेट के सामने नामांकन किया। सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी प्रत्याशी भोलानाथ शुक्ल ने 2 सीटों
में नामांकन किया। वही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल ने 3 सीटों में अपने प्रस्तावों के साथ नामांकन किया। निर्दल प्रत्याशी के रूप में देवेंद्र सिंह ने भी नामांकन किया। हमने 2 सेट में पर्चा दाखिल किया है और हम भारी बहुमत से चुनाव को जीतेंगे, हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। हमें अनुभव नहीं था और तब वहाँ पे माफिया गिरी हुई थी, गुंडागर्दी के सामने हम जरूर परास्त हुए थे, लेकिन हताश नहीं हुए थे, निराश नहीं हुए थे। और हारने के लिए तो प्रधानमंत्री रही चुकी इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी हैं, हमारे आदरणीय सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे हैं, हम किसकी किसकी गणना करें। चुनाव तो हार जीत का खेल होता है, आदमी जो घोड़े पे चढ़ता है वो गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है। कितने मंत्री चुनाव हारे, अभी विधानसभा चुनाव देखिए, हमारे डिप्टी सीएम बेचारे चुनाव हार गए सर, एक महिला से, ऐसी महिला से जो नई महिला थी, नॉन पॉलिटिकल महिला थी, उससे चुनाव हार गए। देखिए, मैंने 6 साल बेहतरीन काम किया है, उसका नतीजा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, अपने ब्लॉक के सभी ब्लॉक प्रमुख चुन के आए हैं इतनी बड़ी संख्या में, और मैं अपने जनप्रतिनिधियों के बीच 6 साल रहा हूँ, सबका मैंने काम किया है, गाँव का विकास हो चाहे नगर का विकास हो। मैंने जो भी सरकार से जो भी निधि थी वो भी मैंने इन गाँव में नगर पालिका में खर्च किया, एक भी पैसा मैंने और कहीं गैर, एक भी पैसा और मैंने कहीं किसी मद में नहीं दिया था। और सब गाजीपुर की पूरी जनता और जनप्रतिनिधि मेरे साथ हैं, मुझे विश्वास है कि इस बार बड़े मार्जिन के साथ हम लोग चुनाव जीतेंगे। आदरणीय योगी जी के चरणों में इस सीट को जीत के तौर पर मैं देने का काम करूँगा, ताकि उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।